एक समय था जब बच्चों के दूध के दांत टूटते नहीं थे और उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता था। स्वयंवर जैसी प्रगतिशील परंपरा को प्राचीन समय में निभाने के बाद बाल विवाह या फिर परिवार वालों की मर्जी के अनुसार ही विवाह रचाने की रीति ने समाज को एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलने पर कई दशक तक मजबूर रखा। फिर बढ़ते समय के साथ खुलने लगे कई बंधन। बालिका शिक्षा द्वारा महिलाएं नौकरी करने लगी और पुरुषों का महिलाओं के प्रति नजरिया बदला। जहां किसी पुरुष के साथ प्रेम करने के कथित गुनाह पर बेटियों को बलि चढ़ा दिया जाता था या उनके प्रेमियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, वहीं आज लव मैरिज स्वीकार किए जाने लगे हैं। फिर आया बीपीओस का जमाना, समाज में बदलते स्त्री पुरुष समीकरण का जमाना, महिलाओं द्वारा अपने जिंदगी के बारे में जागरूक होने का जमाना। विवाह की कथित पवित्र संस्था करवट लेने लगी। पति और ससुराल वालों के अत्याचार या मर्जी के खिलाफ पुरुष के साथ जिंदगी बिताने पर लड़कियों को आपत्ति होने लगी। नतीजतन लिव इन रिलेशनशिप का एक्सपेरिमेंटेशन कामयाब होने लगा। और आज जब बीपीओस के जमाने में युवा महिला पुरुष के पास अच्छा पैसा है, अच्छी नौकरियां हैं, तो वे कमिटमेंट के मूड में नहीं है। फिर चाहे ये कमिटमेंट नौकरी का हो या प्यार का, आज अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेने की दौड़ इतनी तेज है कि लिव इन रिलेशनशिप की देश भर में मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। युवाओं के पास तलाक की प्रक्रिया से गुजरने का ना तो वक्त है, ना संयम और ना ही जज्बा। अगर एक रिश्ता नहीं चला तो उससे बच निकलने का रास्ता वे तैयार रखते हैं। कई लिव इन रिलेशनशिप तो शादी से ज्यादा बेहतर चली हैं। विवाह की संस्था से विमुख होने के कारण कई हैं। ससुराल वालों के अत्याचार की नित नई खबरें, अपनी मर्जी का साथी चुनने की मूल लालसा, कमिटमेंट देने का डर, तलाक की संभावनाओं का डर और सबसे अहम कारण है सुविधा यानी कन्वीनियंस। ये रिश्ते आज की युवा पीढ़ी को अपने बदलते टेम्परामेंट और सोच से सूट करते दिखाई देते हैं। तो विवाह की संस्था से युवा पीढ़ी के दूर होते जाने का आखिर जिम्मेदार कौन?